हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। अभिनेता सुशांत का हैंगआउट प्लान आपको बताते हैं, वो जगह जहां सुकून तलाशने सुशांत सिंह राजपूत हमेशा जाया करते थे, लेकिन आखिरी बार सुशांत अपने उस फार्म हाउस पर जा नहीं पाए। दरअसल फार्म हाउस में वक्त बिताने का सुशांत का ये जो सपना था ये अधूरा रह गया। एबीपी न्यूज पहुंचा लोनावला के उसी फार्म हाउस पर, दिखाते हैं आपको सुशांत के फार्म हाउस से रवि जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत का ये फार्म हाउस मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। फार्म हाउस को नजदीक से देखने जानने के लिए संवाददाता रवि जैन ने मुंबई से पुणे के लोनावाला तक का सफर तय किया। रास्ते में कई पहाड़, सड़कों के किनारे पहाड़ों से गिरता झरना और सड़क के बीच कई टनल भी मिले, जिनसे गुजरते हुए हमारी टीम लोनावाला के इस हैंग आउट विला तक पहुंची। पावना झील से सटे इस विला के चारों ओर सिर्फ हरियाली है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों के बीच झील भी मौजूद है। सुशांत जब कभी परेशान होते या दिमागी तौर पर सुकून पाना चाहते थे तो लोनावाला के इसी हैंग आउट विला नाम के फार्म हाउस में पहुंचते थे, जिसे उन्होंने किराए पर ले रखा था। प्रकृति के सुंदर नजारों, पहाड़ों के बीच बने इस फार्म हाउस में सुशांत कई दिन गुजारते थे। फार्म हाउस में सुशांत कभी अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ, कभी अपने करीबी दोस्तों के साथ पहुंच जाया करते थे। सुशांत कभी महीने में 3-4 बार तो कभी हफ्ते में 2 बार भी इस फार्म हाउस में आते थे। 2.25 एकड़ जमीन पर तैयार इस बेहद खूबसूरत फार्म हाउस में हर सुख सुविधा मौजूद है। चारों ओर खूबसूरत नजारा है। तरह तरह की सब्जियां उगाने और फार्मिंग के लिए बड़ा सा गार्डन है। हरियाली से भरे गार्डन में 2 जगहों पर झूला लगा है। इमारत के नीचे पार्किंग के लिए बड़ा इलाका है। एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है। अब इस फार्म हाउस के भीतर का हिस्सा देखिए। बेडरूम के भीतर से भी पहाड़ और झीलों का सुंदर नजारा दिखता है। सुशांत सिंह राजपूत को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था, लिहाजा यहां भी उनकी पसंदीदा किताबों की छोटी लाइब्रेरी दिखी। फार्म हाउस में बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम था, खेल मनोरंजन के लिए स्नूकर पूल भी। सुशांत को साइंस से बड़ा लगाव था, वो इंजीनियर थे। दीवारों पर सुशांत की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। उनमें भी उनका ये शौक नजर आता है। सुशांत की तस्वीरों के बैकग्राउंड में रॉकेट और स्पेस एयरक्राफ्ट दिखते हैं। साइंस में उनकी दिलचस्पी से सभी वाकिफ हुए जब उनकी ये तस्वीरें लोगों ने देखी। उन्होंने अपने पैसे से टेलीस्कोप खरीद कर घर में लगाया था। वो चांद तारों की दुनिया के रहस्य को समझने की कोशिश करते थे। बेहद कम उम्र में सुशांत आज उन्हीं सितारों की दुनिया में पहुंच गए हैं, लेकिन उनका यह शौक इस हैंग आउट विला फार्म हाउस के भीतर भी दिखता है, जहां टेबल पर स्पेस एयरक्राफ्ट, रॉकेट, एस्ट्रोनॉट की रेप्लिका सजी थी। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे, जो कम उम्र में ही उन्हें छोड़कर चली गईं। फार्म हाउस के कमरे में सुशांत ने अपनी दिवंगत मां की फ्रेम की हुई एक तस्वीर भी लगा रखी थी। यहां पहुंचने के बाद एबीपी न्यूज को इस बात की जानकारी भी मिली कि सुशांत की मौत के बाद 3 जुलाई को मुंबई में रहने वाले उनकी बहन मीतू ने फार्म हाउस में रखी सुशांत की तमाम चीजों को लेकर मुंबई चली गई।
लेकिन यहाँ ये तीन डॉगी अब भी मौजूद है जो सुशांत के बेहद करीब थे। सुशांत सिंह राजपूत को इनसे बेहद लगाव था। किराए के अपने फार्म हाउस में सुशांत ने इन तीनों को पाल रखा था। पहले इनका नाम ईना, मीना और डीका था, लेकिन सुशांत ने इन तीनों का नाम बदल दिया और इनके नाम अमर, अकबर और एंथोनी रख दिए। क्रिकेट से सुशांत का प्रेम भी जग जाहिर है। महेंद्र सिंह धोनी फिल्म के दौरान उन्होंने क्रिकेट की कई बारीकियों को भी सीखा। सुशांत जब इस फार्म हाउस में आते तब यहाँ भी उन्हें फार्मिंग, बोटिंग और क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। यहाँ आकर सुशांत को सुकून महसूस होता। अपने दोस्तों के साथ वो झील के बीच मौजूद टापू पर जाया करते थे। वो जब भी यहाँ आते तो बोटिंग, पिकनिक करना, आइलैंड पे जाना, जैसे पानी के बीचों बीच एक आइलैंड है वहाँ पे जाना, और जैसे क्रिकेट वगैरह तो आपने देखा है कि बहुत से वीडियो अभी वायरल भी हुए कि क्रिकेट भी खेलते हुए दिखाए है, और पूल टेबल वगैरह खेलते थे, और बाकी ऐसी पिकनिक वगैरह जो पार्टी वगैरह जो होते थे दोस्तों के साथ में हमेशा आना होता था उनका, और जैसे स्टाफ है जैसे हम लोग के साथ में एकदम क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे। फार्म हाउस के मैनेजर रह चुके रईस के मुताबिक 2019 में पुणे में चल रही फिल्म छिछोरे की शूटिंग खत्म होने के बाद भी उन्होंने फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को इस फार्म हाउस पर आमंत्रित किया था, जिसमें फिल्म की हीरोइन श्रद्धा कपूर भी शामिल थी। हैंगआउट विला नाम के इस गेस्ट हाउस को सुशांत ने जून 2018 में पहली बार किराए पर लिया था। सुशांत हर महीने इस फार्म हाउस का 2 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाते थे। मई 2020 में उनका करार खत्म हो गया। लॉकडाउन से पहले सुशांत ने यहाँ 2-3 महीने गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। उनका फोन आता है, सैम्यूल का फोन आया, सैम्यूल मिरिंडा का कॉल आता है कि भाई उनका कैंसिल हो गया है, वो जो आने का जो प्लानिंग था वो कुछ आ नहीं रहे, मतलब उनका वहाँ भी जो तैयारी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कैंसिल कर दिया। 2 जून 2019 यानी रिया के जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद फार्म हाउस में शिव की एक बड़ी सी प्रतिमा की स्थापना की गई थी और उसी से जुड़ी यहां पूजा हुई थी। इसमें सुशांत, रिया और रिया के परिवार वाले भी शामिल हुए थे। फार्म हाउस के मैनेजर रह चुके रईस ने बताया कि एक बार रिया ने उनसे कहा था कि फार्म हाउस में स्थापित मूर्ति की हफ्ते में एक बार पूजा होनी चाहिए, और तब से हर हफ्ते यहाँ शिव की मूर्ति की पूजा होने लगी। 2019 में एक बर्थडे उनका यहाँ पे हुआ, एक बर्थडे पार्टी। अच्छा, तो उस बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था, रिया के अलावा, सुशांत के अलावा और कौन कौन था? सुशांत सर थे, उनके साथ में ये रिया का मम्मी डैडी था, उनके भाई थे शौमिक, हाँ, और उनके भाई के साथ में और कोई लेडी थी, गर्लफ्रेंड थी शायद, और बाकी तो सब हम लोग का स्टाफ मेंबर था। रईस बताते हैं कि आखिरी बार सुशांत फार्म हाउस पर फरवरी 2020 में आए थे, लेकिन उस वक्त रिया उनके साथ नहीं आई थी। उनके स्टाफ में दीपेश, केशव, धीरज और सिद्धार्थ पिठानी ही थे। सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ जनवरी महीने में यहां पहुंचे और वो आखिरी बार था जब दोनों यहां साथ पहुंचे थे। तो लास्ट ईयर में जो मूर्ति की स्थापना की पूजा हुई उसके बाद में हर सोमवार को शिव जी की पूजा होती थी और दिया जलता था, बस उतना ही। ऐसा यहाँ कोई काला जादू टोना या ब्लैक मैजिक का ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं। रईस ने कहा कि सुशांत इस फार्म हाउस को खरीदना भी चाहते थे, लेकिन वो क्यों नहीं खरीद पाए इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुणे के लोनावाला से संवाददाता रवि जैन की रिपोर्ट। तो ये अधूरी ख्वाहिश सुशांत सिंह राजपूत की अधूरी ही रह गई, और देखिए सुशांत की मौत के मामले में मुंबई में सीबीआई की जांच का पहला अध्याय जो है वो अब शुरू हो चुका है। आज मौत की जांच कर रहे मुख्य जांच अधिकारी यानी केस के आईओ और रसोइये नीरज समेत कई लोगों से पूछताछ हुई है। मुंबई पुलिस ने सुशांत के मोबाइल, सुशांत के लैपटॉप, डायरी समेत कई दस्तावेज जो सीबीआई को सौंप दिए हैं। मुंबई के पालीहाल में सुबह 10 बजे ही सीबीआई की गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से बाहर निकलता है सुशांत का कुक। इसी गेस्ट हाउस में
मीडिया की नजरें बचाकर नीरज को पूछताछ के लिए टीम लेकर गई थी। एक टीम सुशांत के कुक से जब पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त बांद्रा में डीसीपी ऑफिस में लाल रंग की मोटी फाइल लिए सीबीआई टीम के साथ एक महिला दाखिल होती है। बताया जा रहा है कि ये फाइल सुशांत केस से जुड़ी है। इसी दफ्तर में केस के आईओ यानी जांच अधिकारी से पूछताछ करने सीबीआई पहुंची थी। कल रात सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची थी और तभी से एक्शन शुरू हो गया। कल ही मुंबई पुलिस से संपर्क साधा गया। आज गवाह से पूछताछ शुरू हुई और इधर मुंबई पुलिस ने सारे सबूत और बयान की कॉपी इसी दफ्तर में सौंप दिए। सुशांत केस से जुड़ी केस डायरी, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, सुशांत की पर्सनल डायरी, सुशांत का लैपटॉप, सुशांत का मोबाइल, मौत के वक्त सुशांत के पहने कपड़े, जिस हरे कपड़े से फांसी लगाई, बेडशीट जिस पर शव मिला और जिस मग और प्लेट में मौत से पहले सुशांत ने जूस पिया, ये सब चीजें सीबीआई ने अपने कब्जे में ले ली है। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने मुझसे कहा कि जांच टीम का फोकस इस बात पर है कि सुशांत की मौत हत्या या आत्महत्या, और इसी एंगल को ध्यान में रखकर हर शख्स से पूछताछ की जा रही है। नीरज ही वो शख्स था जिसने सुशांत को मौत से पहले जूस पीने के लिए दिया था। घर से उनके सफाई अपाई कर रहा था तो वो रूम से निकले थे बाहर, तो रूम से निकलने के बाद तो उन्होंने मेरे को ठंडा पानी बोला, तो नीरज मुझे ठंडा पानी दो, तो मैं फटाफट ठंडा पानी लेके आया। तो लेके आने के बाद उनको ठंडा पानी मैंने दिया तो सर ने पिया और मेरे को गिलास रिटर्न दिया। तो उसके बाद जो कुक है तो वो कुक गए ऊपर, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए पूछने के लिए कि क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में, तो सर ने बोला मैं केला और जूस लूंगा और नारियल पानी क्योंकि वो लेते रहते हैं, नारियल पानी उनका डेली आता है। तो जूस और नारियल पानी और केला लेके गए, तो केला सर ने लिया नहीं, तो बोला जूस और ये दे दो मैं यही पी लूंगा, तो वो लेके सर अंदर चले गए थे। अब सीबीआई ये जानना चाहती है कि सुशांत की दिनचर्या क्या थी, उस दिन का क्या क्या कार्यक्रम था, रात में सुशांत कितने बजे सोए थे, सुबह नौकरों से क्या क्या बात की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी यह भी पता करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत की मौत से रिया को क्या फायदा था या सुशांत की मौत से किन लोगों को फायदा पहुंचना था। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या सुशांत का कोई जीवन बीमा था, यदि हाँ तो कितने का था और उसका नॉमिनी कौन था। सीबीआई सुशांत की मौत वाले दिन मौके पर मौजूद चश्मदीदों के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करना चाहती है। इस बीच खबर ये है कि सुशांत के घर पर लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी सीबीआई टीम अपने कब्जे में लेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि घटना वाले दिन कैमरा काम कर रहे थे या किसी ने सीसीटीवी कैमरों से जानबूझकर छेड़छाड़ की। जिस कंपनी ने सीसीटीवी कैमरे को सुशांत की बिल्डिंग में इंस्टॉल किया था और इसका रखरखाव किया करती थी, उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही इस घटना से जुड़े हर किरदार की, घटना वाले दिन की लोकेशन और आखिरी 24 घंटों की कॉल डिटेल्स भी सीडीआर के जरिए निकाली जा रही है, जिसका सीबीआई एनालिसिस करेगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जो दस्तावेज सीबीआई को सौंपे हैं, अब उसी के आधार पर सीबीआई टीम सुशांत के फ्लैट में घटना वाले दिन क्या हुआ ये समझने की कोशिश करेगी। ब्रेकिंग पर स्वागत है आपका, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। एक सेकंड में जिस डैम से 7 करोड़ लीटर पानी निकल रहा है, अगर वो टूट जाएगा तो जरा सोचिए क्या होगा। खुद को ताकतवर समझने वाले चीन का इन दिनों कुदरत के सामने हालत खराब है, पूरी तरीके से लाचार है चीन। आसमान से आफत बरस रही है तो दुनिया के सबसे बड़े डैम के टूटने का खतरा चीन पर मंडरा रहा है। चीन का ये घमंड अगर टूटा तो सिर्फ देश में ही आफत नहीं आएगी बल्कि दुनिया पर भी इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा।
अगस्त की आसमानी आफत का ये तो बस ट्रेलर है। तो क्या इसी महीने विनाश की असली तस्वीर आनी बाकी है? दुनिया में दादागिरी दिखाने के सपने पाल रहा चीन पानी की दहशत से सिसक रहा है। चीन का दंभ डगमगा चुका है क्योंकि जनता कह रही है डूबने से बचा लो। लेकिन क्या कुदरत का आतंक अभी और सिर चढ़कर बोलने वाला है? ये चीन का सिचुआन प्रांत है। तस्वीरें बता रही हैं मानो बर्बादी आसमान से जमीन पर डेरा डालने के लिए आ चुकी है। इस प्रांत का शायद ही कोई ऐसा शहर है जो इस वक्त बाढ़ में ना डूबा। पुल पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। गाड़ियां गर्त में जा रही हैं। शहर के शहर कुदरत के क्रोध में डूब रहे हैं। सिचुआन ने ऐसी तबाही दशकों से नहीं देखी। लेकिन 8 करोड़ की आबादी वाले सिचुआन में अभी और भी तबाही मंडरा रही है। पानी ने शहरों को शमशान बना दिया है। डर है कि अगस्त का असली आक्रमण अभी बाकी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में पहले से ही हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी अलर्ट है। गाड़ियां चलने के लिए कहीं सड़क नहीं बची और इंसान के लिए फुटपाथ नहीं बचा। जल ने अपना साम्राज्य चारों तरफ फैला रखा है। चीन की सरकार बाढ़ में डूबती जनता को बचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिसके सिर पर युद्ध सवार उसकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कम ही पड़ जाएगी। सिचुआन के बाजार तालाब बन चुके हैं और घरों की छत देखकर यकीन नहीं होगा कि इसके भीतर जिंदगी बसर करती थी। बाढ़ में फंसे इन लोगों की त्रासदी के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। घर डूब चुके हैं, जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है। बेबस लाचार लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर बैठे हैं। लेकिन तबाही के पैर यहीं नहीं रुके, अभी ये और बढ़ रही है। अब तक सैलाब के जिस आतंक को चीन का सबसे बड़ा बांध मात देता रहा था, 2.5 महीने से जो थ्री गार्जेस डैम चीन को बाढ़ से बचाने के लिए कवच बनकर खड़ा था, अब उसके हौसले भी जवाब देने लगे हैं। भयानक बाढ़ ने एशिया की सबसे लंबी याक्षी नदी पर बने थ्री गार्जेस डैम को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े थ्री गार्जेस डैम पर इतना दबाव बढ़ गया कि उसका दम फूल रहा है। डैम के बनने के बाद पहली बार पानी का ऐसा रौद्र रूप डैम झेल रहा है और गुजरते वक्त के साथ चुनौती बढ़ती जा रही है। बांध के तमाम दरवाजों को खोल दिया गया है। ये भी पहली बार हो रहा है कि डैम से इतना पानी एक साथ निकल रहा है। अठारह साल बाद डैम से 73,000 क्यूबिक पानी प्रति सेकंड निकल रहा है। आसान भाषा में समझे तो 7,30,00,000 लीटर पानी प्रति सेकंड। डैम में 165.6 मीटर तक पानी भर चुका है। भारी बारिश से रातों रात 2 मीटर पानी बढ़ गया और डैम में पानी वार्निंग लेवल से 20 मीटर ऊपर जा चुका है। अगर थ्री गार्जेस डैम पानी के इस दबाव के आगे ध्वस्त हो गया तो चीन पूरी दुनिया के आगे शर्मिंदा होगा। क्योंकि चीन ने डंका पीटकर इस बांध को बनाया था, बड़े बड़े दावे किए थे। बांध बनाने के लिए लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। दावा था कि बांध
बाढ़ से बचाएगा, लेकिन जिस बांध को बनाने में 12 साल लगे उसके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये हालत तब है जब सिचुआन में पहले से बाढ़ का पानी सब कुछ लील जाने को बेताब नजर आ रहा है। नदियों के उफान की वजह से बाढ़ का पानी सड़क पर खड़ी गाड़ियों को पत्तों की तरह बहा कर ले जा रहा है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने थ्री गॉर्जेस डैम को टूटने की कगार पर ला दिया, लेकिन बेफिक्र जिनपिंग सिचुआन को छोड़कर दुनिया में बादशाह के सपने देख रहे हैं। हालत यह है कि जो सिचुआन डूब रहा है उस पर उनकी नजर नहीं पड़ रही और वो पहुंचते हैं अनहुई प्रांत। ये वही अनहुई प्रांत है जिसे जिनपिंग ने खुद डुबोया था। अनहुई में बाढ़ नहीं आती, लेकिन जिनपिंग अपने रईसों को बचाने के लिए गरीबों को डुबो रहे हैं। इंडस्ट्रियल इलाके को बचाने के लिए बाढ़ का पानी अनहुई की तरफ मोड़ दिया गया, जिसके बाद हजारों लोगों की जान दांव पर लग गई और अब 10 करोड़ लोगों की जिंदगी सिचुआन प्रांत में दांव पर लग चुकी है। क्योंकि अगर बांध टूटा तो गुइझोउ, चोंगकिंग, हुनान, हुबेई, जियांगशी, अनहुई, जियांगसू, झेजियांग, शंघाई, ग्वांगशी, ये सारे शहर चपेट में आ जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे और फिर जो बर्बादी आएगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये तबाही चीन के शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। जिस यांगशी नदी पर यह बांध बना है उसी नदी के इकोनॉमिक बेसिन पर दुनिया के एक तिहाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अगर बांध टूटा तो दुनिया का 15% मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर तबाह हो सकता है। यानी विनाश का खतरा बाकी है और जो दिख रहा है वो तबाही की आहट भर है। तो लहरों की डगर पर चलना संभल संभल कर, दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाढ़ बारिश के मौसम में भी कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। रोजाना कार, बस, बाइक के पानी में फंसने की खबरें आती हैं, लेकिन मनमानी है लोगों की कि छूटती नहीं। आज हमारी ये रिपोर्ट आपको बताने की कोशिश करेगी कहीं तो लोग लापरवाही में फंस रहे हैं और कहीं जान जोखिम में डालना उनकी मजबूरी है। जब कुदरत बादल वाला बदला ले रही हो और इंसान चुनौती देने की गलती करे तो यही हाल होता है। बच्चे बचपन पकड़ेगा, इसे बताओ ये रुक रही है, ये गई है। सैलाब में फंसी इस कार को बहाने की लहरों ने ठानी है, लेकिन इंसानों ने भी हार कहां मानी है। पुलिस की चेतावनी के बावजूद कार चालक बहाव में उतर गया और पानी से पंगा लेने लगा। उत्तराखंड के रामनगर में धनगढ़ी बरसाती नाला उफान पर है। ये तस्वीरें रामनगर से पौड़ी जाने वाले नेशनल हाईवे के पास उसी बरसाती नाले की हैं। पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था और ड्राइवर ने अति उत्साह में कार आगे बढ़ा दी। वक्त नहीं बीता, कार खिलौने की तरह पानी में हिचकोले खा रही थी। कार में 6 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि समय रहते सबको बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कार इस उफनते नाले में समा गई।
पहाड़ों पर कुदरत गुस्से में है, लेकिन इंसान बाज नहीं आ रहा। सड़क पर तेज रफ्तार पानी देखकर भी बाइक सवार ने पार करने की कोशिश की और फंस गया। अब उसे बचाने की कोशिश चल रही है। ये बिल्कुल जबरदस्ती गया, इसको कुछ नहीं मालूम कर रहा था। जबरदस्ती गया देखो। अरे यार, बाइक सवार समेत 4-5 लोग तेज बहाव के बीच बाइक को पकड़े रहे, बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सब्र जवाब दे गया तो बाइक की उम्मीद छोड़नी पड़ी। बाइक सवार को बचा लिया गया। ये तस्वीरें भी रामनगर की हैं। पनौद नाले में बाइक फंसी थी। पहाड़ों पर लापरवाही भी है तो मजबूरी। उत्तराखंड के मुनस्यारी में पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह मुनस्यारी को हरकोट से जोड़ने वाली उस सड़क के पास पहुंची, जहां जान जोखिम में डालकर लोग एक एक कदम बढ़ाते हैं। सड़क टूट चुकी है और लकड़ी का कच्चा पुल है। एक तरफ उफनती नदी तो दूसरी तरफ पानी का झरना। हरकोट और हरकोट के कई सारे गांवों को जोड़ने वाली इकलौती सड़क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क का हिस्सा पूरी तरह से दूसरी तरफ भी गायब हो गया। आपको एक बार में समझ हो सकता है नहीं आई कि सड़क यहां पर थी कहां। दरअसल जितना भी सड़क का हिस्सा था वो ताजा भूस्खलन में नीचे बह गया है, और अब लोकल्स ने खुद ये जो पुल है लकड़ी का एक कच्चा पुल बनाया है, और कच्चे पुल के जरिए वो लोग इस जगह को पार करते हैं। यहाँ के लोकल से भी आइए बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा जीराना है जी। तो ये पुल का आपने बनाया है, किसने बनाया है? अब ऐसे लोकल के आदमी से बनाया है, वो आदमी चलने लायक। अब आदमी चल रात को दिन भी बनाते हैं, रात को ऐसे भगा के चले जाता है, ठीक है। अब यहाँ सुविधा कोई चीज का नहीं है। बारिश में पहाड़ों की जिंदगी जोखिम से भर जाती है, इसलिए ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। देखिए, जान जोखिम में डालकर सफर पूरी पहाड़ों की नियति सी बन गई है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को। केदारनाथ यात्रा में जाने वाले भक्तों को जान हथेली पे रख के यात्रा करनी पड़ रही है। जो मुख्य सड़क है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई है। लोगों को मजबूरन चट्टानों के रास्ते गुजरना पड़ रहा है।